नमस्कार, बीएनजी ब्लॉग्स पर आपका स्वागत है। आज का मुख्य समाचार खासकर शिक्षा जगत से। के पाठक का सख्त संदेश, कहा गांव में ही पोस्टिंग होगी, राणा भी वहां ही होगा। महिला शिशु कहा उन्हें भी शहर नहीं भेजा जाएगा, तैयार हो जाए। विभागीय निर्णय पर आपत्ति जताने पर किया शो कॉज। शिक्षा विभाग जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्रफुल्ल मिश्रा ने गुरुवार को मोतीपुर प्रखंड के मध्य विद्यालय बिरहीमा बाजार के शिक्षक भूषण अभिराम झा कश्यप और पवन कुमार प्रताप शो कॉज किया है। इन आरोप है कि इन्होंने विभाग के निर्णय पर आपत्ति जताई, जो सेवा संहिता निर्धारित आचरण के विरुद्ध इन शिक्षकों से 24 घंटे में जवाब मांगा गया है। 3 से 13 जनवरी तक आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं शिक्षक अभ्यर्थी। दूसरे दिन शिक्षा भर्ती परीक्षा के परीक्षाफल से किसी और व्यक्ति कोई शिकायत हो शपथ पत्र के माध्यम से। समस्तीपुर में फर्जी प्रमाण पत्र वाले 4 शिक्षक हुए बर्खास्त। नियोजन इकाई के 50 सचिव की कार्रवाई। दल शिक्षा प्रखंड क्षेत्र का मामला, 1 शिक्षक 5 वर्षों से है गायब। पहले चरण के 1 लाख से अधिक शिक्षकों का 15 जनवरी से होगा फिर से सत्यापन। दूसरे चरण के सभी शिक्षकों के पुनर्सत्यापन जनवरी के अंत में। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के जिलाधिकारी को लिखा पत्र। एक बार में 10% शिक्षक की ले छुट्टी। बीपीएससी से नियुक्त अध्यापिका निलंबित। बिहार लोक सेवा आयोग के अनुसार नियुक्त एक अध्यापिका को योगदान देने के बाद स्कूल गायब होना महंगा पड़ा, संबंधित निलंबित कर दिया गया। शिक्षा विभाग अधिकारी सूत्र के मुताबिक बिहार लोक सेवा आयोग श्रीमती रागिनी कुमारी बदल था, पूर्वी चंपारण जिले के हुआ था। उसमें काउंसलिंग केंद्र पर रही अभ्यर्थियों के खोले जा रहे हैं बैंक अकाउंट। उच्च माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति का कट ऑफ हो गया 2 गुना। रिक्त तुलना उच्च माध्यमिक शिक्षक 2 गुनी संख्या प्रथम चरण तुलना दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति कट ऑफ मार्क को बढ़ा 2 गुना कर दिया है। रिक्तियों से 2 गुनी रही अभ्यर्थियों की संख्या, स्टेटी में अधिक रिजल्ट भी बनी वजह है। प्रमुख विषयों की यूआर कट ऑफ एक नजर में। 1 लाख से अधिक नवनियुक्त अध्यापक थर्म इम्प्रेशन की होगी जाँच। एक लाख से अधिक की, हाँ। आधार में 6 महीने फोटो नाम बदलने वाले अभ्यर्थी काउंसलिंग नहीं। बीपीएससी पहले चरण में 40 विद्यालय नियुक्ति रद्द। ये थे कुछ मुख्य समाचार। यदि जानकारी हेल्पफुल लगे तो प्लीज मेरे चैनल लाइक से सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।